हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कल वीडियो नहीं डाला, इसका एक कारण है कि कल काम तो किया था और अर्निंग भी अच्छा खासा हुआ है, लेकिन वीडियो शूट करने का टाइम नहीं मिला था, ठीक है। और कल मन थोड़ा अच्छा नहीं था, इसके लिए वीडियो शूट नहीं किया। आज इस टाइम मतलब अभी 8:55 हो गया, मतलब 9 बजने वाला है रात का, तो अभी इस वीडियो शूट कराओ और साथ ही साथ कल का अर्निंग और आज का अर्निंग दोनों में शो कराऊंगा। और दोस्तों कल गणेश चतुर्थी है, तो सबके लिए हैप्पी गणेश चतुर्थी। और एक बात है कि आज ऑर्डर्स बहुत कम आ रहा है, ठीक है, पैसा भी बहुत कम है, जितना टाइम काम कर रहा हो उसी हिसाब से बहुत पैसा कम है। बस वही एक बात है जिसके लिए वीडियो शूट नहीं कर पा रहा हूँ। और ऊपर से वीडियो शूट तो आप लोगों के लिए करता हूँ मैंने हमेशा, आप लोग अभी तक देखते ही ना कि कोई अभी तक मैंने वीडियो तो छोड़ता हूँ, लेकिन देखने के लिए तो कोई होना चाहिए, तो ऐसा तो बहुत कम व्यूज आ रहा है। तो मैं सोचा कि धीरे धीरे वीडियो डालता रहूँगा, आप लोग देखते रहेंगे और बस ऐसा ही। और थोड़ा सा परेशानी है, परेशानी तो रहता है हमेशा ही, लेकिन अभी थोड़ा ज़्यादा हो गया जिसके लिए अच्छा नहीं लग रहा बहुत कुछ, तो फिर भी ड्यूटी कर रहा हूँ आप देख सकते हो। और एक रेस्टोरेंट पे आया ऑर्डर लेने के लिए, तो 10 मिनट का टाइम दिया है, बोला 10 मिनट लगेगा, तो मैं सोचा इसी टाइम पे, जगह भी थोड़ा सा अच्छा है, लाइट वगैरह सब कुछ है, तो शूट कर लेता हूँ। तो आप लोगों को जानकारी भी दे देता हूँ और कल का कितना अर्निंग है वो भी दिखा देता हूँ। तो चलिए मोबाइल स्क्रीन पर चलता हूँ और सारा कुछ देखा था अभी, कैसा क्या ऑर्डर किया था, कितना अर्निंग हुआ है, आज कितना हुआ है। दोस्तों मोबाइल स्क्रीन पर आ गया और जोमेटो जो डिलीवरी एप्लीकेशन उसको ओपन कर लेता हूँ। और एक ऑर्डर ऑलरेडी असाइन है, आप देख पाएंगे उसको ऑर्डर लेट बोल रहा है, तो 10 मिनट तो बोल दिया, मैं 15 मिनट का डाल देता हूँ। तो अभी तक देख सकते हो रेस्टोरेंट लेट बाय 19 मिनट्स, और भी 10 मिनट लगेगा बोल दिया। तो अभी तक टोटल अर्निंग आज का आप देख सकते हो 244 रुपया, और इसमें कुछ होने वाला है 20 रुपीज़ के आसपास, तो 264 रुपया होगा। और ऑर्डर्स भी आप देख सकते हो 9 ऑर्डर्स कम्प्लीट किया अभी तक, और जो टाइमिंग है वो 5 घंटे के आसपास है। तो आज का अर्निंग बहुत ही कम हो रहा है, क्योंकि आज बहुत कम ऑर्डर्स आ रहे हैं, ठीक है। और कल का अर्निंग अगर देखा जाए तो सिंपली मैं पेआउट में चला जाता हूँ, वीक में चला जाता हूँ। वीक में आप देख सकते हो 895 रुपया मैंने अर्निंग किया था यस्टरडे, तो ये काफ़ी अच्छा अर्निंग था। और ड्यूटी भी काफ़ी ज़्यादा किया है, बहुत मतलब 29 के आसपास मैंने ऑर्डर्स कंप्लीट किया था, और पूरा दिन बहुत मेहनत किया था, ठीक है। और मेहनत तो करता हूँ, लेकिन उतना अर्निंग उतना हो नहीं पा रहा है, क्या बात पता नहीं क्या हो रहा है, तो ठीक है। और कस्टमर से टिप्स खाली 30 रुपीज़ का मिला था, तो टोटल मिला के उतना अभी के लिए 2 दिन काम करो वीकली का, तो अभी 1138 रुपया हो गया। और अभी तक कैश ऑन डिलीवरी एक भी नहीं आया, तो देखता हूँ क्या होता है लास्ट तक। और ये हफ्ते में बहुत कुछ करना है, बहुत टारगेट भी रखा है 7000 का, लेकिन कितना तक हो पाएगा वो तो पता नहीं, लास्ट तक पता चल जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। दोस्तों एक गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़ दोनों साथ मिला के है, तो ये हफ्ता में काम करने के बाद अगले मंडे को मैं अपना घर जा रहा हूँ, अपना नेटिव प्लेस, और मतलब कुछ इमरजेंसी है, जाना ही पड़ेगा, मतलब मजबूर है मुझे जाना ही पड़ेगा, जिसके लिए मैं जा रहा हूँ। अदरवाइज मैंने टारगेट लिया था जब तक मेरे पास 10 लाख रुपया नहीं होगा तब तक मैंने घर नहीं जाऊँगा, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशन है तो जाना पड़ रहा है, ठीक है। और अगले हफ्ते ही मुझे जाना पड़ेगा, इसके बदले में मेरे पास हाथ में और टाइम नहीं है। तो कोई मुझे कमेंट करके पूछा था कि आपका घर कहाँ पे है, टूर्स होम टूर्स जो बोलता है, तो मैं सोच रहा हूँ कि जाने के टाइम उसका छोटा मोटा एक वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। ऐसे तो फ्लाइट में ऐसा नहीं जाओ, पूरा ट्रेन में लोकल डब्बे में जाने वाला हूँ, तो कैसा होता है तो सबको शायद पता है, और लॉन्ग जर्नी जैसे कि बोलता है, 2 दिन का सफ़र है, तो थोड़ा सा तकलीफ होता है। और सीट भी कंफर्म है, अभी तक नहीं हुआ, लेकिन RAC में है, तो बैठ के जा सकता हूँ, 2 दिन का सफ़र है तो थोड़ा तकलीफ भी होगा, लेकिन जो भी होगा आप लोगों से मैं बताते रहूँगा, अगर आता हूँ बस मैं वीडियो बना के भेजता रहूँगा, और देखते रहे ना, हो सके तो लाइक करके देना बस वही। दोस्तों अभी जो रेस्टोरेंट पे आया ये न्यू ओपन हुआ है, मतलब जोमेटो में न्यू रजिस्टर्ड हुआ है, तो मैं पहले ऐसा कभी भी इधर नहीं आया, आज पहले दिन आया तो ढूंढने में थोड़ा सा तकलीफ हो गया। और ये लोकेशन मतलब मेरा रूम के पास ही, मतलब रूम का मतलब सॉरी ये मेन हॉल का सामने ही है, लेकिन पहले आया नहीं जिसके ढूंढने में थोड़ा तकलीफ हो गया, लेकिन एटलीस्ट पहुँच गया। और टाइम भी बहुत ले रहा है, पता नहीं कब तक मिलेगा ऑर्डर, और पहले से पैसा बहुत कम दे रहा है,
2 दिन तो अच्छा मिल रहा था, 1100 ऐसा मिल रहा था, लेकिन अभी फिर से कैसा हो गया पता नहीं। इतना मेहनत करता हूँ, उससे भी ज़्यादा करता हूँ, लेकिन पैसा बहुत कम आता है। और संडे थोड़ा ज़्यादा पैसा देता है हर एक ऑर्डर में, लेकिन उसके अलावा मंडे ट्यूजडे जो होता है उसमें बहुत कम पैसा देता है। ठीक है, पता नहीं ऐसा क्यों करता है जोमेटो, लेकिन फिर भी मजबूर जो ऐसे कि हो गया अभी तो करना पड़ेगा। और आप लोगों के लिए बहुत बड़ा गुड न्यूज़ आने वाला है, बहुत बड़ा, मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो इतना बड़ा गुड न्यूज़, तो अगले महीना तक मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी जो ऑर्डर कंप्लीट किया उसमें 34 रुपीज़ मिला, और इसमें टाइम थोड़ा लगा, लेकिन डिस्टेंस जितना शोर है उससे भी थोड़ा कम है। ठीक, तो चलता हूँ नेक्स्ट ऑर्डर के लिए, देखता हूँ अभी तो लिफ्ट के अंदर हूँ, ऑर्डर्स नहीं आएगा। तो 10 बजे जो गिग्स था उसको मैंने इनकम्प्लीट छोड़ दिया, क्योंकि उस टाइम मैं रूम गया था, खाना बनाया, खाना खाया, थोड़ा बहुत रेस्ट लिया, फिर जाके 11 बजे निकला। और 10:50 को मुझे एक ऑर्डर आया था, उस ऑर्डर को कंप्लीट करने गया तो देखो ऑर्डर ऑलरेडी कैंसिल हो गया। तो उसका कारण था कि उसमें जो आइटम था वो नॉट अवेलेबल था रेस्टोरेंट पे, इसके लिए वो कैंसिल हो गया। लेकिन उसके लिए मेरे को 20 रुपये ऑलरेडी मिल गया, तो फिर उसके साथ साथ और एक ऑर्डर आया, अब उसी को करने के लिए अभी बस रेस्टोरेंट पर पहुँच गया। अभी देखता हूँ ऑर्डर 5 मिनट में रेडी होगा बोला, तो देखता हूँ कितना होता है, और स्क्रीन पर जाके देखा था क्या क्या हुआ है। तो दोस्तों मोबाइल स्क्रीन पर आ गया और देख सकते हैं ऑर्डर अभी भी ऐसा ही है, और इसका जो पहले ऑर्डर था सिंपली मैं इसको पे आउट में चला जाता हूँ, ट्रिप हिस्ट्री में चला जाता हूँ, इसमें देख सकते हो इनकम्प्लीट एक ऑर्डर है, उसमें 20 रुपये मिला, क्योंकि मैंने रेस्टोरेंट में पहुँच गया था उसके बाद जाके कैंसिल हुआ है, तो इसके लिए मुझे 20 रुपये मिला, और उससे पहले जो था वो तो आप देखा है 34 रुपीज़ का। तो और अभी तक टोटल अर्निंग कितना हो गया आप देख सकते हो, टोटल 11-12 ट्रिप्स है, 11 ऑर्डर्स है, और इसमें 332 रुपीज़ हुआ है टोटल। और अभी जो ऑर्डर करने आया हुआ उसमें 44 रुपीज़ हो रहा था, तो देखता हूँ लास्ट तक कितना मिलता है। दोस्तों हो सकता है ये लास्ट ऑर्डर है आज के लिए, क्योंकि अभी जो टाइम हो गया वो 11:45 हो गया, और अभी जो ऑर्डर डिलीवरी करने जा रहा हूँ थोड़ा सा डिस्टेंस भी है, और अगर जल्दी जल्दी पहुँच जाऊँगा 15 मिनट के अंदर डिलीवरी हो जाएगा, तो शायद एक ऑर्डर मिल सकता है, अगर फिर नहीं भी मिल सकते तो ठीक देख लेता हूँ, अभी तो इसको डिलीवरी करता हूँ, उसके बाद देखता हूँ क्या होता है। तो गाड़ी थोड़ा सा तेज़ चलाया जिसके लिए बहुत जल्दी पहुँच गया, और अभी मतलब 11:51 हो गया, मतलब अभी डिलीवरी नहीं किया, लेकिन कस्टमर को कॉल कर दिया, कस्टमर 2 मिनट मांग रहा है आने के लिए, तो अभी तो 11:52 हो गया, मतलब अभी 2 मिनट लगेगा, तो 4 मिनट और एक ऑर्डर आने के चांस है, अगर आएगा तो बहुत अच्छा है, नहीं आएगा तो बस कोई कुछ ही नहीं कर सकता, तो देखता हूँ ये ऑर्डर देने के साथ साथ एक ऑर्डर मिलता कि नहीं। और ऐसे भी तो टाइम जैसा हो रहा है मिलने का कोई चांस नहीं है, और आज ऐसे भी बहुत कम ऑर्डर आ रहा है, और पैसा कितना हुआ है वो तो अभी दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों जैसे कि कस्टमर ने टाइम मांगा 2 मिनट, तो तब तक मैं डिलीवरी करके यहीं पे रह जाता हूँ, और जब आएंगे उसको हैंड ऑर्डर कर देंगे उनको। और अभी 35 इसमें 41 रुपीज़ हो रहा था, लेकिन 35 रुपीज़ मिला, किस लिए मिला मेरे को पता नहीं, लेकिन ये जोमेटो थोड़ा चीट कर रहा है मेरे साथ, सबके साथ। और अभी टाइम भी देख सकते हो 11:53 हो गया, तो गेट नेक्स्ट ऑर्डर में चलता हूँ अभी के लिए। और अभी टोटल अर्निंग हो गया 412 रुपीज़। ठीक है, और टोटल टाइमिंग भी देख सकते हो 7 घंटा होने वाला है, और जो ट्रिप्स है वो 13 ट्रिप्स है दोस्तों, तो देखता हूँ लास्ट तक कितना होता है, और एक ऑर्डर मिलने का तो चांस है, और नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, मिल जाएगा तो भी बहुत अच्छा है। तो ऑर्डर ख़त्म होने वाला है, ड्यूटी ख़त्म होने वाला है, और अभी आया बारिश, और हाथ में एक ही मिनट में एक ऑर्डर आ गया, और उसमें 32 शो रहा था, मैं उसको डिनाइल कर दिया, डिनाइल किया तो साथ ही साथ वो दूसरा ऑर्डर असाइन हो गया, तो उसी ऑर्डर को करने के लिए आ गया। अब देख सकते हो थोड़ा बहुत बिक गया वो, अभी जस्ट बारिश हो रहा है। मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हो एक ऑर्डर है, अभी जो सर्जी है रेन वो स्टार्ट हो गया ऑलरेडी, लेकिन मेरे को सर्जी पे नहीं मिला, इसमें 36 रुपीज़ शो हो रहा था, और बाकी तो मैं ऑलरेडी एक ऑर्डर को डिनाइल कर दिया, अगर देखना है तो सिंपली आप देख पाएंगे इसमें, सॉरी यार कॉल का मैं देख लेता हूँ, सॉरी इसमें कुछ गड़बड़ी है हो रहा है, इसमें 30 का दिखा देता हूँ, तो एक ऑर्डर मैंने ऑलरेडी डिनाइल कर दिया, जस्ट डिनाइल किया, जिसमें 0 पैसे हो रहा है, और इसमें 32 रुपीज़ हो रहा था, बारिश हो रहा है ऊपर से 32 रुपीज़ का कौन ऑर्डर करता है, तो मैं इसको डिनाइल कर, लेकिन इसमें 36 रुपीज़ हो रहा था, तो इसको करने के लिए आ गया। तो इस ऑर्डर में 36 रुपीज़ हो रहा था, लेकिन 30 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिला सर जी पे के लिए। ओके,
दोस्तों अभी देख सकते हो अभी रात 12:20 हो गया और मेरा मतलब आज का गिग्स और भी स्टार्ट हो गया है। अब इसमें अगर देखना है तो सिंपली आज का जो गिग्स है दोस्तों वो ऑलरेडी रनिंग हो गया है, तो ये गिग्स मुझे करना पड़ेगा आज के लिए, ठीक है, क्योंकि बहुत प्रेशर है और काम करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये कर ले, तो अभी तो 21 हो गया है और अब मेरा हाथ में 35 तक है, तो 35 कर लेता हूँ तो हो जाएगा कम्प्लीटली। और टोटल अर्निंग कितना हो गया वो थोड़ा देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अर्निंग से ही मतलब होता है। ओके 478, तो मैं सोचा था आज 500 हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ दोस्तों, थोड़ा दिक्कत हो गया। तो चलेगा, अभी चलता हूँ, देखता हूँ कब तक पहला ऑर्डर लगता है, आज के लिए पहला ऑर्डर। तो वीडियो यहाँ भी ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरा और एक गिग्स स्टार्ट हो गया और दूसरा दिन का भी टाइम हो गया है। तो इस दिन के लिए यह था कि यह वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज कितना ऑर्डर किया, कितना टाइम काम किया और कितना अर्निंग हुआ, 474 रुपीज़, तो देख लिया ऑलरेडी। तो आज के लिए देख लेता हूँ, ठीक है, आज मतलब जैसे कि रात 12 बजे से स्टार्ट हो गया मेरा गिग्स और इसका ड्यूटी, तो कितना होता है।